तो दोस्तों लेकर आ गया हूँ आपके लिए टॉप 3 बेस्ट MIUI 12 थीम्स ऑफ द डे की एक और न्यू स्पेशल वीडियो। और इसमें आज हम बात करेंगे, अगर आपको स्पाइडरमैन वाला लुक चाहिए अपने फ़ोन में, या फिर आप दोस्तों विंडोज 11 वाला कंप्लीट लुक चाहते हैं अपने मोबाइल में, या फिर बात हो यहाँ पर पबजी मोबाइल वाला कंप्लीट लुक आप अपने मोबाइल में चाहते हैं, या फिर दोस्तों आपको काफ़ी कमाल के काफ़ी इंटरेस्टिंग कलरफुल कंट्रोल सेंटर ट्राई करने हो, या फिर दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छे बूट एनिमेशन की बात हो, तो आज के वीडियो में हम कुछ इसी तरह की थीम्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। इस वीडियो का लाइक टारगेट मैंने रखा है 100। आई होप कि आप इसे आसानी से कंप्लीट करा देंगे। दोस्तों मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं डिजिटल अवतार चैनल। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल अवतार चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मिल सके मेरी वीडियोज के अपडेट सबसे पहले। तो दोस्तों इस लिस्ट में जो फर्स्ट थीम है इसका नाम है स्पाइडरमैन वर्जन 12.5 और इसके जो डिजाइन का नाम है वो है कॉन्स्टेंटिनो। इसका कंप्लीट लुक मैं आपको दिखा देता हूं। तो होम स्क्रीन का लुक आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, जिसमें वॉलपेपर आपको स्पाइडरमैन वाला देखने को मिल जाता है। इसी तरह से जो कंट्रोल सेंटर है आप देख पा रहे होंगे, MIUI 12.5 से इंस्पायर्ड इसमें कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी कलरफुल है और एक वॉलपेपर वाले बैकग्राउंड के साथ आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ बात कर लें इसके नोटिफिकेशन पैनल की, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसमें भी आपको जो बैकग्राउंड है उसमें वॉलपेपर देखने को मिलता है और काफ़ी डार्क सा लुक है। डायल पैड की बात करें तो कुछ इस तरह का डायल पैड आपको देखने को मिल जाता है, और ये जो लुक मैं दिखा रहा हूँ वो आपको डार्क मोड में दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको नॉर्मल मोड में भी दिखा दूँगा। तो यहाँ पर सेटिंग का लुक आप देख सकते हैं, डार्क मोड में इस तरह से देखने को मिलता है, और यहाँ पर ये जैसा कि ये थीम डार्क मोड को पूरी तरह से सपोर्ट करती है, तो डार्क मोड को अभी मैंने ऑन कर रखा था, अभी ऑफ करके इसका जो लुक है वो आप देखिए। तो यहाँ पर जब आप ऑफ़ कर देंगे तो नॉर्मल मोड में आपका सेटिंग या फिर आपका डायल पैड, तो उसमें आपको बैकग्राउंड में एक स्पाइडरमैन वाला वॉलपेपर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बात कर लें इसके जो आइकन वगैरह हैं, तो आइकन भी इसमें काफ़ी स्पेशल से देखने को मिल जाते हैं, और जो क्लॉक विजेट है वो भी देख सकते हैं आप, स्पाइडरमैन वाली क्लॉक विजेट इसमें दी गई है। लॉक स्क्रीन की बात करें तो लॉक स्क्रीन पर आपको इस तरह के स्पाइडरमैन के वॉलपेपर मिल जाएंगे, और यहाँ पर एक और जो सेकंड स्क्रीन है या नेगेटिव स्क्रीन है इसमें भी काफ़ी तरह के जो विजेट हैं जो शॉर्टकट हैं वो दिए गए हैं। अगर आप यहाँ पर लॉगो पर टैप करते हैं, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे जो लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन के ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिन्हें आप जिस तरह का भी वॉलपेपर यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं उस तरह का वॉलपेपर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कंप्लीट वॉलपेपर है उनका लुक मैं दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आप डबल टेप करेंगे, उसके बाद ये वॉलपेपर सेट हो गया, आपको चेंज करना है, फिर से आप डबल की टेप कीजिए और आपका यहाँ पर ये वाला वॉलपेपर आ जाएगा। तो जिस तरह का भी वॉलपेपर आपको पसंद आ रहा हो उस पर आप बस डबल टेप करते जाइए और वो वॉलपेपर आपकी लॉक स्क्रीन पर सेट होता चला जाएगा। तो दोस्तों ये थीम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि इसमें आपको स्पाइडरमैन के काफ़ी सारे वॉलपेपर मिल जाते हैं। अब जो नेक्स्ट थीम है इसका नाम है पी विंडोज वर्जन 12.5, डिजाइनर का नाम है कॉन्स्टेंटिनो। होम स्क्रीन का लुक आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, जिसमें क्लॉक विजेट काफ़ी अच्छी सी दी गई है। कंट्रोल सेंटर की बात करें तो कंट्रोल सेंटर भी काफ़ी कलरफुल सा देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आई होप कि आप भी इसे पसंद करेंगे। और यहाँ नोटिफिकेशन पैनल की बात कर लें तो कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन पैनल। डायल पैड की बात करें तो कुछ इस यहाँ पर जो डायल पैड का लुक है कम्प्लीटली चेंज है, ये देख पा रहे होंगे काफ़ी कलरफुल सा डायल पैड देखने को मिलता है। सेटिंग के लुक की बात करें तो सेटिंग का लुक आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है डिवाइडर टाइप के दे दिए गए हैं सेटिंग्स में, तो ये और जो आइकन वगैरह हैं वो भी आपके चेंज हो जाते हैं। टॉप पर आपको कुछ ग्रीन सा यहाँ पर जो है बॉर्डर टाइप का दे दिया गया है, तो मतलब आपका पूरा चेंज हो जाता है लुक। और डार्क मोड को भी ये थीम सपोर्ट करती है, तो ऐसे में अब डार्क मोड को अप्लाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं सेटिंग का लुक जो है वो पूरा डार्क में चला जाएगा, और जो डायल पैड है वो भी पूरा डार्क में चला जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें क्लॉक विजिट, तो क्लॉक विजिट में आपको काफ़ी सारे जो बैटरी एनिमेशन है, वेदर इन्फॉर्मेशन है, तो ये सब कुछ मिल जाती है। आइकन पैक जो है, आइकन पैक भी काफ़ी अच्छा सा देखने को मिल जाता है। अगर आपको ये आइकन पैक पसंद नहीं आता है, क्योंकि विंडोज से इंस्पायर्ड है, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप कस्टम जो आइकन पैक है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। अब दोस्तों बात करें इसकी लॉक स्क्रीन लुक की, तो लॉक स्क्रीन पर यहाँ पर 4 टाइप के वॉलपेपर हैं जिन्हें आप सेट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है वॉलपेपर चेंज करने का, तो जिस तरह का भी वॉलपेपर आपको रखना हो वो रख सकते हैं। इसमें आपको जैसा विंडोज में रहता है कर्सर टाइप का, तो इसमें भी आपको जो माउस वाला जो एरो आइकन होता है वो देखने को मिल जाता है, तो आपको विंडोज जैसी फीलिंग आपको यहाँ पर होगी। और यहाँ पर अगर आप लेफ्ट बॉटम में अगर टैप करते हैं तो विंडोज स्टाइल में ही आपको जो ऑप्शन है वो देखने को मिलते हैं। इसकी जो इसमें बूट एनिमेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें काफ़ी कमाल का, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा इस तरह का बूट एनिमेशन आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वाला बूट एनिमेशन पसंद हो तो इस थीम को आप डाउनलोड करके ट्राई कर लीजिए। और क्लॉक विजेट में यहाँ पर म्यूजिक कंट्रोल का भी ऑप्शन है जो मैं बताना भूल गया। अब इस लिस्ट में जो नेक्स्ट थीम है इसका नाम है पी कैटेगरी वर्जन 12.5। कॉन्स्टेंटिनो इसके डिजाइनर हैं और ये पबजी से इंस्पायर्ड एक थीम है जिसमें यहाँ पर कैट वाला लुक दे दिया गया है जो मेन कैरेक्टर है उसको। क्लॉक विजेट की बात करें, काफ़ी अच्छी सी क्लॉक विजेट है और यहाँ पर जो वॉलपेपर है आपको पबजी वाला देखने को मिल जाता है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ में। कंट्रोल सेंटर काफ़ी कलरफुल सा आपको देखने को मिल जाता है, ब्लू रेड ग्रीन इस तरह के टाइल्स टॉगल्स के साथ में। नोटिफिकेशन पैनल का लुक आपने देख ही लिया। अब चलते हैं इसके डायल पैड में, तो डायल पैड में आप देख सकते हैं जो बटन है यहाँ पर तो वो आपको 3D लुक में देखने को मिल जाते हैं। सेटिंग्स के लुक की बात करें तो इसमें बैकग्राउंड में आपको ये पबजी वाला वॉलपेपर देखने को मिलता है जिसमें कैटची लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये कुछ लुक मिलता है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और ये थीम भी डार्क मोड को सपोर्ट करती है, तो ऐसे में अगर आप डार्क मोड वाली थीम आपको पसंद आते हैं तो ये देख सकते हैं आप कि डार्क मोड ऑन होने के बाद ये कुछ लुक मिलेगा आपको। और इसका जो आइकन पैक है वो भी काफ़ी स्पेशल सा है। तो ये हो गया होम स्क्रीन का लुक, आपने देख ही लिया है। चलते हैं लॉक स्क्रीन पर, क्या कुछ खास देखने को मिलता है। तो लॉक स्क्रीन पर जो वॉलपेपर है कैटची वाला, उसमें आपको जूम आउट टाइप का एनिमेशन देखने को मिलेगा, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। और इसमें आपको बॉटम लेफ्ट में फ्लैशलाइट का ऑप्शन भी मिल जाएगा और यहाँ पर राइट साइड में जो है वो आपको कैमरे का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यही थी कुछ स्पेशल से थीम्स, और ये जो टॉप 3 स्पेशल थीम्स हैं इनमें से कोई भी थीम पसंद आए हो या कोई भी फीचर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ।